काली साथी। और शनि महाराज से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि शनि जो है वो हमेशा हमें पनिश करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कई लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे और आपके लाखों रुपए खर्च करवा देंगे ये कह के कि आपकी साढ़े साथी शुरू होने वाली है या फिर साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। साढ़े साथी एक गोल्डन पीरियड भी आपके लिए बन सकती है। बेसिकली ये होता है कि शनि न्यायप्रिय होते हैं, वो आपको आपके कर्मों का फल देते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, और वो आपसे मेहनत करवा सकते हैं। इस पीरियड में आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। आप खुद सोचिए, अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और सारे ऐशो आराम की चीजें आपके आसपास हैं, तो कुछ टाइम तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको अपनी लाइफ यूजलेस लगने लगेगी। उसी तरह से अगर उसके ऑपोजिट साइड पे हम देखें, कई बार हम अपने किसी भी एम पे, किसी भी ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका जो फ्रूट है वो हमें अच्छा मिलता है। तो आपको साढ़े साथी से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही कहूंगी कि साढ़े साथी कुछ भी नहीं है। साढ़े साथी का सिंपल मीनिंग है कि जन्मकालीन जो आपका चंद्रमा है, उससे पहले वाले हाउस में जब शनि प्रवेश करते हैं और उसके नेक्स्ट हाउस में रहने तक ये जो साढ़े सात साल का पीरियड होता है, क्योंकि शनि एक राशि में ढाई साल रहते हैं, तो 2.5 × 3 दैट इज 7.5, तो साढ़े सात सालों का जो पीरियड है वो आपका साढ़े साथी हो गया, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको करना ही है तो मंत्र कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनैश्चराय नमः, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें करिए जिसमें आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट भी ना करना पड़े और आप शनि देव को मना भी सके। तो आपको कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना है और आपको खुश रहना है। ग्रहों को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। बस आप कर सकते हैं तो कुछ रेमेडीज कर लीजिए जो कि ग्रहों को प्रसन्न करे। और ये भी याद रखिए कि हर रेमेडी हर ग्रह पे काम नहीं करती है। जो गुरु को पसंद होगा वो शनि को पसंद नहीं होगा, जो शनि को पसंद होगा वो शुक्र को पसंद नहीं होगा। इसलिए आप वही रेमेडी करिए जो कि उस ग्रह के लिए की जानी चाहिए आपकी कुंडली के हिसाब से। नमस्कार।